तो आपको बता दें कि शाहीन बाग में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, सीए और एनआरसी के खिलाफ एक समाज के लोग लगभग जिस तरह से 50 दिनों से धरना दे रहे हैं, इन बीते 50 दिनों में किसी भी नेता ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश अब तक नहीं की है, या यूं हम कह सकते हैं कि सीए और एनआरसी को लेकर जागरूक नहीं किया गया है, लेकिन शाहीन बवाला बाग को लेकर उन्होंने जिक्र किया है शाहीन बाग का। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूं। देवेंद्र प्रमुख है हमारे साथ, बीजेपी के नेता, इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर है साजिद मोजिब। अमृतसर में हुए उस जलियांवाला बाग नरसंहार का जिक्र देश के जिम्मेदार आज कर रहे हैं। एक बार फिर जलियांवाला बाग का जिक्र हो गया। जलियांवाला नरसंहार जिसमें 13 अप्रैल 1919 को 50 ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्ते भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन आज क्यों शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन की तुलना जलियांवाला बाग से हो रही है? दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर एमआईएम चीफ वैसुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया। ओवैसी ने कहा, शाहीन बाग 8 फरवरी के बाद जलियांवाला बाग में तब्दील हो सकता है। बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि दिल्ली के शाहीन बाग में करीब 50 दिन से ज्यादा समय से सीएए के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल होगा। शाहीन बाग को लेकर सियासत जारी है और सियासत में हर दल अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहा है, लेकिन यहां सवालों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को सीएए के संबंध में किसने जागरूक करने की कोशिश की? क्या ओवैसी का जलियांवाला बाग का राग सियासत का हिस्सा है? कैसे ओवैसी शाहीन बाग की तुलना जलियांवाला बाग नरसंहार से कर सकते हैं? हालांकि ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो वाले बयान का संदर्भ दिया। अनुराग ठाकुर ने मंच से नारे लगवाए थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा था कि जब 8 फरवरी के चुनाव में बीजेपी जीत कर दिल्ली की सत्ता में आएगी तो शाहीन बाग को खाली करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा सवाल यहां पर देवेंद्र प्रमुख जी आपसे पहले है कि आखिरकार बयानबाजी क्यों, चाहे बीजेपी को ले लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, अब तो एआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी यहां पर बयान दे दिया है जलियांवाला बाग का, शाहीन बाग से जिक्र यहां पर कर दिया है, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बयानों का सिलसिला कब तक चलेगा, कब तक इस पर राजनीति होगी, आखिरकार समझाने बुझाने की कोशिशें कब होंगी शुरू? देखिए रितु जी, क्लियर करना चाहेंगे हम कि शाहीन बाग सारा देश समझ चुका है। जब कश्मीर की समस्या हल होगी, वहाँ का पत्थरबाज नहीं मिल रहा, वहाँ की हुर्रियत नज़रबंद हो गई, तो सोचा विपक्ष ने और पाकिस्तान ने मिल के कि कहीं ना कहीं भारत के दिल में कोई ऐसा जख्म दिया जाए जिससे सीधी चोट पहुँचे, और वो दिल्ली से बढ़िया जगह और कोई हो नहीं सकती थी। ये प्री प्लान सारे विपक्ष ने मिलकर, ममता से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, जितने भी इसमें मिले हुए लोग हैं, और पीछे से इसमें जो फंड करने वाला वही हुर्रियत पाकिस्तानी, उन्होंने आके जो 200 रुपये कश्मीर में देकर पत्थर चलवाते थे, यहाँ वो रेट 700 रुपये किए, तब जाके कहीं शाहीन बाग मैनेज हुआ। ये सच है शाहीन बाग का। साजिद जी, क्या आप इससे वाकिफ रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आप कैसे कह सकते हैं कि 700 रुपये में वहां पे बैठे हुए हैं? क्या वहां आप जाकर एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि वहां पर जो बैठी हुई है महिलाएं, वहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी क्या डिमांड है? आप 500, आप क्या भाजपा की रैली समझ रखा है क्या, कि भाजपा की रैली जैसे आप निकालते हैं 500 में 300 में, वैसे वहां पे सारे खातिन बैठी है? आपका आप पहले ये शब्द वापस लीजिए, आप पहले ये शब्द वापस लीजिए 700 रुपए वाला। आप वही बात कर रहे हैं जो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं जो अनुराग ठाकुर बात कर रहा है, आप वही बात कर रहे हैं जो कपिल मिश्रा बात कर रहे हैं। वहाँ मीडिया ने, आप पहले ये शब्द को वापस लीजिए, आप पहले ये शब्द को वापस लीजिए। किस मीडिया के माध्यम से, किस मीडिया लोगों ने 500 रुपए आप गए वहाँ पे वीडियो बनाकर डाले हैं? किसने डाला वो आपने देखे हैं? अमित पाल के पास देख रहा है जो वीडियो बनाया गया, वहाँ मीडिया गई,
वो नहीं कर रही है, जो महिलाएं बैठी है उनकी डिमांड है, वहाँ जो प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं उस डिमांड पे बात कीजिए, उस डिमांड पे बात कीजिए। आप झंडा आप चला रहे हैं, आपके आपके पर्सन चला रहे हैं, आपके नेता चला रहे हैं। आप मैं शब्द वापस लीजिए, शब्द वापस लीजिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने क्या कहा, आपने पूरे महिलाओं को पूरे महिलाओं पर पैसे लगा रहे हैं। आप ये शब्द को वापस लीजिए, आप इस शब्द को वापस लीजिए। आप नहीं कह सकते हैं, अगर आप भाषण कह रहे हैं पोलराइज करने का पूरा प्लान है, दिल्ली में चुनाव है, चुनाव में आपको जीतना है, आपके पास मुद्दे है नहीं, रोजगार की आप बात करते नहीं है, शिक्षा की आप बात करते नहीं है, आपके पास क्या है, पोलराइज करना है, वोट की ध्रुवीकरण करना है, इसके अलावा कोई है? जनता जानती है, पब्लिक समझ रही है, ये पोलराइजेशन जो आपका खेल खेला जा रहा है, इसको इसको बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। इसको पब्लिक समझ चुकी है, देश समझ चुका है, आपका क्या रूप है, आपकी पार्टी का क्या रूप है, ये सब जानता है। आप इस शब्द को वापस लीजिए। पावर से वो शाहीनबाग बनाकर बैठ गए हैं, और शाहीनबाग किसने बनाया, क्या है शाहीनबाग की डिमांड, आप बताइए क्यों बैठे हुए हैं? मैं बता क्यों बैठे हुए बताइए। आप माजिद भाई कह रहा हूँ क्यों बैठे हुए हैं? सीए पर, एनआरसी पर, जिस पर चाहे मुद्दा पर बात करें, तो मुद्दे पे ही तो बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात कीजिए। आप खाने पे बात कर रहे हैं, आप बिरयानी पे बात कर रहे हैं, आप 500 पे बात कर रहे हैं, वहाँ बिरयानी आप जाइए, शाहीनबाग के लोग हर वक्त बिरयानी खाते हैं, आप नहीं खाते होंगे, आपको भेजवाया जाएगा, आपके स्पोकपर्सन को भेजवा दिया जाएगा। मोदी जी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहे हैं, आप यहाँ शाहीनबाग की बिरयानी की बात करते हैं, भारत के टुकड़े होंगे। किसने कहा, किसने आज तक प्रूफ नहीं कर पाए, आज तक प्रूफ नहीं कर पाए, इस चीज को आप प्रूफ कीजिए। आपने प्रूफ किया, प्रूफ किया आपने, आपने कब प्रूफ किया? आपके लोग झूठे हैं, आपके सारे स्पोक पर्सन झूठे हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, आप उस पर बात कीजिए, क्या करते हैं वो, पूरा देश देखा, दुनिया ने देखी क्या किया उन्होंने, यहाँ पे पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा क्या है आप बताइए? इसके अलावा कोई मुद्दा है आपके पास? आपके पास कोई मुद्दा है? आप कभी शिक्षा पे बात नहीं करते, आप कभी रोजगार पे बात नहीं करते, आप कभी इकोनॉमी पे बात नहीं करते, पाकिस्तान मुसलमान पे आपकी पूरी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान मुसलमान पे पूरी पॉलिटिक्स है, आपको देश से नहीं मतलब है, आपको जवान से नहीं मतलब है, आप बस पॉलिटिक्स करना जानते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मोबिलाइज करना जानते हैं, कोई पाकिस्तान नहीं। आप इंडिया की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात क्यों हो रहा है? रितु जी, आप क्यों नेता बयान दे रहे हैं, क्यों वहाँ पर गोलियां चल रही है, क्यों वहाँ पर डर पैदा किया जा रहा है? पाकिस्तान चाहता हूँ, पाकिस्तान का जिक्र अभी ना करें तो बेहतर होगा, थोड़ी चिंता अपनी देश की भी करनी चाहिए। जो शाहीनबाग का मुद्दा की बात कीजिए, अगर आप उसकी जड़ में जाएं, अगर आप उसकी जड़ में जाएं, उसके तह में जाएं, तो आप उसे देख लीजिए उसको चलाया कहां से जा रहा है, कहां से चलाया जा रहा है, उसको चलाने वाली आम आदमी पार्टी। आप गए वहां पे, कांग्रेस कैसे आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी? मैं कह रहा हूँ, क्या ऑथेंटिक जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां जाकर गोली चला देता है, कुछ नहीं होता है सर, तब क्या होता है? बोलने से क्या होता है? नहीं, नहीं, आप कह दीजिए क्या आम आदमी। सवाल तो आप पर नहीं उठेंगे, जो बयान अनुराग ठाकुर जब सामने आया उसके बाद गोलीकांड हुआ। मीडिया बोल, देवेंद्र जी ये बताइए, ये गोलीकांड का जिक्र आप कर रहे हैं, बयान के बाद तो ये गोलीकांड शुरू हुआ और एक नहीं बल्कि तीन बार हुआ। देश के गद्दारों को कौन रोक लगाएगा इन पर? आपके पार्टी क्यों डर पैदा किया जा रहा है? आप मेरी बात सुनिए, आप गोली मारना चाहते हैं, बताइए देश को किसको गोली मारने के लिए कह रहे हैं आप? गोली किसको मारने के लिए कह रहे हैं? गोली किसको मारने के लिए कह रहे हैं? देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है, गोली किसको मारने के लिए? क्या बोल रहे हैं? कौन मुसलमान गद्दार है आप बात करते हो? मुसलमान गद्दार है कौन? मुसलमान गद्दार है आप बताइए? आपके मंत्री बोलते हैं गोली मारो, किसको गोली मारो? हिंदू मुस्लिम आपका है, हिंदू मुस्लिम आपका है, आप करते हैं, आप कीजिए, आपको आपका प्यारा करता है शाहीनबाग।
इसलिए चर्चा का विषय है। आज पूरा देश समझ चुका है कि शाहीनबाग को चलाने वाला कौन आदमी है और शाहीनबाग को समर्थन कौन दे रहा है, फंडिंग कहां से आ रहा है और 700 रुपए मैं बता रहा हूँ जाके वहां वो हुरियत शाहीनबाग में जो औरतें बैठी है जो वहाँ पे प्रोटेस्टर बैठे हैं उनका एक डिमांड है, उनका एक डिमांड है। जब तक वो डिमांड नहीं वापस होता है आप गोली मारिए, बम फेंकिए, खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। गोली मारिए, गोली मारिए, गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, हम सीने पे खाएंगे, लेकिन जब तक सीए वापस नहीं होता है शाहीनबाग खाली नहीं किया जाएगा। आप भी लिखिए, मोदी जी को भी बताइए, अमित शाह को भी बताइए, अपने सारे प्रवक्ता सारे मंत्री को बताइए, शाहीनबाग खाली आप नहीं करा सकते, शाहीनबाग खाली आप नहीं करा सकते। जब तक सीए वापस नहीं होता है, जब तक जब बिल वापस नहीं करते हैं वापस नहीं लिया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा जब तक शाहीनबाग नहीं खुलेगा। जब तक शाहीनबाग से जो औरतें हैं जो प्रोटेस्टर है, क्या शाहीनबाग भारत का ब्राह्मण परिवार कश्मीर से विदा हुआ रहा, कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे पहले शाहीनबाग आपने दिया, आपने दिया, आपने लड़ा क्या, हम क्या किया आप कब से आज तक पॉलिटिक्स कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या किया आपने, क्या किया आपने बताइए, क्या किया? पाकिस्तान से आजाद करने का कुछ नहीं किया ना आपने, किया ना आपकी पार्टी ने किया, बल बोले हैं सारे आपके नेता बल बोले हैं। कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को इस्तेमाल किया गया है आपने, हमेशा इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल के अलावा आपने कुछ नहीं किया है, 6 महीने में कुछ नहीं किया है आपने, आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पॉलिटिक्स किया है, गंदी राजनीति। कश्मीरी पंडित भाइयों पे भी आपने पॉलिटिक्स किया है, क्या किया उनके लिए आप बताइए, क्या किया, क्या किया आपके माननीय प्रधान मोदी जी बताइए, क्या कश्मीरी पंडित की बात कीजिए, कश्मीरी पंडित की बात कीजिए, कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया, यही किया आपने, कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया, यही किया आपने, कश्मीरी भाइयों की सारी सारी उनकी राइट्स छीन लिया आपने, सम्मान है यही आपने किया, इसके अलावा क्या किया, क्या किया, पूरे कश्मीर को आपने जेल बना दिया, घर में पूरे कश्मीर को जेल बना दिया, ये आपकी उपलब्धि है, ये आपकी उपलब्धि है, इसको मत भूलिए, मत भूलिए। कहां मुक्त किया है, सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया आपने, आपने वायलेंस किया है, कौन टेररिस्ट, कहां पाकिस्तान के बराबर में भी नहीं मिला, कहां बात कर रहा है आपके मोदी जी, कहते थे नोटबंदी होगी उसके बाद टेररिज्म रुक जाएगा, बताइए कहां रुका, बताइए कहां रुका, पुलवामा क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ बताइए, पुलवामा का जवाब दिया हमने, क्या जवाब दिया, देश जानती है, देश जानती है, जब इलेक्शन आता है आप जानबूझ के जवान को शहीद करवाते हैं, आपकी पार्टियों ने जवानों पे पॉलिटिक्स किया है, और आपकी पार्टी ने देश के जवानों पे पॉलिटिक्स किया है, इस बात को मारा जा रहा है, इस बात को मानिए, आप पॉलिटिक्स करते हैं देश के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं युवा जिनको रोजगार चाहिए उनको आप बंदूक पकड़ा रहे हैं, ये कपिल गुर्जर बंदूक आप लोगों ने दी, आपने पकड़ा, देश के युवा को रोजगार चाहिए आप बंदूक देते हैं, आप बंदूक देते हैं, पाकिस्तान ने दी, सारे हिंदू भाई को आतंकी बनाना चाह रहे हैं, आप आतंकी बनाना चाह रहे हैं, आप देश के हमारे हिंदू भाई को गुमराह मत कीजिए, देश के गृह मंत्री जी ने किया है, आप गुमराह मत कीजिए, गुमराह नहीं कर रहा, देश के हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहा है, आप हमारे हिंदू भाइयों को उनके हाथ में आप चाहिए, सीधे साधे भाइयों को बहका रहे, उनको बंदूक, आप उनको बता रहे कि आपका हक छीन रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ देश को रोजगार चाहिए, देश को एनआरसी से किसी को नुकसान नहीं है, पहले बताइए, किसी को नुकसान नहीं है, कहीं कमी नहीं है, क्या पूरा डायलॉग उसका उठाइए, बयान जो दिए जा रहे हैं वो बयान ना हो, डर पैदा ना हो, और असल में समझा पाए इन लोगों को जो 50 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं सीए को लेकर कि आखिरकार है क्या, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, उस पर नहीं बात करेंगे, आप लोग भी नहीं समझना चाहते हैं, क्या आप लोग भी नहीं समझना चाहते हैं, जब भी बात पूछिए पाकिस्तान, जब भी बात पूछिए मुसलमान, जब भी बात पूछिए हिंदू मुस्लिम, जब भी बात पूछिए मंदिर मस्जिद, इसके अलावा भी कुछ बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, सीए पे बात कीजिए, सीए पे क्यों नहीं वापस किया जा रहा, क्या बहुत दिक्कत है आपको, नहीं मालूम है, अगर दिक्कत नहीं होता तो पूरे देश में आंदोलन होता क्या, पूरे देश में जो करोड़ों लोग,
क्या है आप बताइए, क्या छीन लिया, नागरिकता क्या छीननी, नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या दिक्कत है आपको कॉन्स्टिट्यूशन की, वायलेंस क्या बदलाव किया उसने, अरे सिरापुर को रोहिंग्या को रोकने के लिए, वो तो 90 ठीक है ना, वो नहीं पसंद है यहाँ से बना हुआ है, गलत फहमी में मत रहो, देने से उनको, अरे वो रोहिंग्या नहीं आ रहे हैं, आप हिंदू रोहिंग्या चाइना भेज दो ना, आप हिंदू दो किलोमीटर की दूरी है, मुस्लिम के अलावा क्या उतार दो, कुछ नहीं किया है, अरे पाकिस्तान के ठेक में हाथ देकर छीन लिया सब कुछ उसका, अरे ये रो रहा है आप भूखा मरा पेटोरा लेकर, वापस नहीं होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदा रहे, नहीं जाने वाले, नहीं नहीं हम नहीं जाने वाले, बहुत देख लिया 47 में, बहुत देख लिया, कुछ नहीं बनता, अरे आप जाइए पाकिस्तान, ये देश मेरा है, कोई अधिकार नहीं है आपके, कुछ नहीं बनता है आपका, मोदी जी का है, रह चुके भाजपा, हमारे रहम और करम पर है, बेच दिया क्या आपने, रहम और करम पर है दिया आपने, जो अधिकार आपने चुका आपका, अरे चड्डीधारी बताएंगे क्या कि देश, अरे नेहरू और लिया का समझौता बताएंगे देश किसका, पता लग जाएगा आपको किसने दिया, आपने नहीं पढ़ा, आप देश ये रिलीजन की बात नहीं करती है, हमारा संविधान, हमारा संविधान इंडिविजुअल सभी को सम्मान देता है, आपने कल भी संविधान को नहीं माना, आपने आज भी नहीं माना, आप कल भी नहीं मानेंगे, असली देश द्रोही आप लोग है देश जानती है, असली देश द्रोही आप लोग है देश जानती है, आप संविधान को नहीं मानते, आप देश को नहीं मानते, इस बात को लिख कर रखिए, इस बात को लिख कर रख लीजिए, दिल्ली से निकाले, आपको मतलब ही नहीं है देश से, आपको मतलब ही नहीं है देश से, आपको बस वही हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बार बार हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ बात नहीं है, ये क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट वायलेंस कर रही है, डायरेक्ट लाभ लेने के लिए, क्या समझती है, क्या समझती है बताइए, जो तुमने प्लान किया ना, क्या प्लान, क्या प्लान है, प्लान आप करते हैं, बस प्लान आप करते हैं, बात तैयार करो और दिल्ली पॉलिटिक्स वाली शब्द मत यूज कीजिए, पॉलिटिक्स वाली यूज मत कीजिए, दिल्ली आप सोचिएगा कि शाहीनबाग के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके दिल्ली जीत रहा है तो भूल जाइए, नहीं नहीं क्लियर है, देश जान चुकी है आपको, दिल्ली जान चुकी है आपको, दिल्ली की तो बात में छोड़िए, बात छोड़िए उसको, दिल्ली छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात दिल्ली तुम्हें ये बात ठान लीजिए आप, जब तक मोदी जी को भी बताइएगा, अमित शाह को भी, जब तक सीए वापस नहीं होता है गोली खाने के लिए, सीए वापस हो ही नहीं सकता, वापस होगा, हो ही नहीं सकता, होगा देखते रहिए, जब तक वापस नहीं होगा शाहीनबाग के, शाहीनबाग के आप जो कोशिश करना चाहिए पूरे देश में चलेगा, पूरे देश में चलेगा, अगर आपके अगर आप देखिए कैसे हटा, तो आप हमें हटा के दिखाइए, आप शाहीनबाग को हटा के दिखा दीजिए, अगर आप में दम है तो हटा के दिखाइए, हम तैयार है गोली खाने के लिए, आप आइए 11 तारीख तक शाहीनबाग का नाम और निशान मिटा देंगे, क्यों 11 तारीख, दिल्ली से नाम और निशान मिटा देंगे, आज जाइए ना 11 तारीख की क्या है, क्योंकि तारीख का क्यों इंतजार है, आप लोगों ने चाहा था कि 11 तारीख तक सेफ रहे, पॉलिटिक्स के लिए कि अब तक चला, पॉलिटिक्स के लिए आप 11 तारीख कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए 11 कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे थे कि बयानों को ना हम आगे बढ़ाएं बल्कि उस मसले को सुलझाए, कहीं ना कहीं जो मसला बना हुआ है 50 दिन से, जिस तरह से सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें समझा बुझाकर फिर कोशिश की जाए कि मामले को खत्म किया जाए, लेकिन इस तरह के अगर बयान चलते रहेंगे तो शायद लगता नहीं मसला जल्द से जल्द खत्म हो पाएगा। देवेंद्र जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, माफी चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साजिद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीए को लेकर प्रदर्शन जारी है शाहीनबाग में, और शाहीनबाग जो है वो चुनाव का कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा अहम मुद्दा बन गया है जो हर एक पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा, जैसे कि राजनीतिक पार्टी तमाम कह रही हैं कि 8 तारीख के बाद या फिर 11 तारीख के बाद देख लीजिएगा शाहीनबाग में जो प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है 11 तारीख के बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।